आज तो सफाई वाले काके बने हुए हर जगह से साफ कर रहे हैं। हाँ जी, इनके शूज तो लेके दे चले आए बाजार चले। शादी पे इतने इकट्ठे हुए हैं, शूज तो उनमें से कोई पहन लेना। नहीं शूज वगैरह लेके हम लोग पहुंच चुके हैं जी घर वापस। और चीज नहीं उठानी है आपने कोई? आपको कोली चम्मच दे दिया है, चलो ये लो चम्मच। अब्दुल हनान बाहर आ जाओ, रोजा अफ्तार होने वाला है। भी बाहर चीजें लेने गया था और गिर गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राहत अमित एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज है जी 12वां रोजा। उम्मीद है आप सब लोगों के रोजे जो हैं वो खैर खैरियत से गुजर रहे होंगे। आज फ्लैश लाइट के साथ इसलिए इंट्रो कर रहा हूँ क्योंकि लाइट जो है सुबह से बंद है। अस्सलाम वालेकुम, राइट हैंड के साथ क्या कर रहे हो? ये सफाई कर रहे हो। सफाई कर रहे हो? मुझे तो लग रहा है शीशा मजीद गंदा कर रहे हो। आप भी अस्सलाम वालेकुम करते हो? नहीं करते अभी, नहीं करते। बस कर जाओ यार, कहीं ज़्यादा ही ना साफ़ हो जाए। और भैया मट्टी लग जाएगी दीवारों पे, ये साफ़ नहीं होंगी, मज़ीद ख़राब होंगी। आज तो सफाई वाले काके बने हुए हर जगह से साफ़ कर रहे हैं। गंदे हाथ टावल के साथ साफ़ करी जा रहे हो। ये किसका टावल है? आपका है ये? ये बाबा का है? और बाबा है मेरा है। आपका है, इसलिए गंदे हाथ उसके साथ साफ़ करी जा रहे हो। मैं बाबा को दिखाऊंगा, देखना। पहले हैंड को वॉश करते होते हैं फिर इसके साथ साफ करते होते हैं। गंदे हाथ नहीं साफ करते इसके साथ, मट्टी वाले। अजलान भाई मछली बन गए, ट्रॉलिंग नहीं करनी आती आपको? उठ मछली, मछली कहाँ चली? हाँ जी, इनके शूज तो लेके दे चले आए बाजार चले। केड़े ईद शूज? शादी पे इतने इकट्ठे हुए हैं शूज, तो उनमें से कोई पहन लेना। क्या मतलब इसका? इस बात का मतलब ये है कि अभी तो शादी हुई है, सारे शूज नए हैं। फैंसी शूज हैं शादियों पहनने वाले। तो यार फैंसी फैंसी पहन लेना आप ईद पे। लोन के सूट के साथ और होते हैं, शादियों में पहनने वाले सूट के साथ और होते हैं। आप समझ नहीं रहे इस बात को। मैं तो बहुत अच्छी तरह समझ गया। शादी करा गया लो जी, खर्चा एक हो रहा आ गया जी। खैर क्या कर सकते हैं, सो चलते हैं बाजार और इनके जो शूज वगैरह लेने हैं और साथ में ज्वेलरी वो लेके आते हैं। सुई गैस का इतना बड़ा बिल आ गया, जान को भी कोई फूल ही ले गया। रुके जरा सबर करें, मैं अभी ला के देता हूँ। मुझे लगता है गार्डन में ना लगा होगा, सो इनको उतार के ला कर दे देता हूँ। लगता बाकी कलियां लगी हुई हैं, ये अभी खिलने वाले हैं। ये खुश है? नहीं। केड़ी बोर जान? मैं तुम्हें लै गया ना बोर जान खान दे। ओके बोरजान स्टाइलो, मैं तो कभी नाम ही नहीं सुने हाल। ओके सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले हम गए जी स्टाइलो वालों के पास और उसके बाद सर्विस वालों के पास, लेकिन शूज़ कोई पसंद नहीं आ रहे थे, सो हमने शूज़ वाला जो ऑप्शन है ना वो उसे स्किप किया और हम चले गए जी ज्वेलरी वाले के पास। उधर से जा के ज्वेलरी वगैरह ली और उसके बाद चले गए चूड़ी वाले के पास, चूड़ियाँ ली। फिर दोबारा से शूज़ वाली साइड पर हुए, बोरजान पर गए, प्राइम पे गए, लेकिन एट दी एंड हमें शूज़ पसंद आया जी स्टाइलो से। सो फाइनली शूज़ वगैरह लेके हम लोग पहुंच चुके हैं जी घर वापस। अफ्तारी का टाइम होने वाला है जी, सो चलते हैं ऊपर जाके अफ्तारी करते हैं। अब्दुल ये आपके बालों को क्या हो गया है? ये देखो ज़रा कितने बुरे हो गए हैं। नहीं किस दिन से की हुई है आपने? इतनी दिन लगता है सो के उठे इसलिए ऐसे हुए हुए हैं। खुद ही कर लो साफ नो जी अपनी। और चीज़ नहीं उठानी है आपने कोई? आपको कोली चम्मच दे दिया है, चलो ये लो चम्मच, ये लो चम्मच वो रही कोली। और कोई चीज़ नहीं उठानी है आपने? ये तो देख लो हट नहीं रही, बाज नहीं आ रही आप। आपको कहा है ना जो चीज़ें आपको दे दी हैं उनके साथ ही खेलो बस, और चीज़ नहीं उठानी है आपने कोई। ठीक है समझ गया। अभी तक आपके बाबा आए ही नहीं है, रोज़ा अफ्तार होने वाला है, 5 मिनट रह गए हैं जस्ट, 25-26 मिनट पर आज जो है अफ्तारी हो जानी है। अब्दुल हनान बाहर आ जाओ, रोजा अफ्तार होने वाला है। आजो आजो जल्दी आजो। गुड बॉय, आजो आजो मेरे साथ बैठ जाओ, इधर आओ, इधर आके बैठो मेरे साथ। मम्मा नहीं आती? नहीं मामा भी बैठेंगे आपके साथ, आजो बैठ जाओ। गुड बॉय अलाया, देख लो फिर आप पहुंच गई है ना उधर, सारी चीजों को छेड़ोगी। वो देखो उधर भी तो पड़ी हुई है, उसके पास चले जाओ। चलो ए चलो जी, चलो उधर जाओ, उधर जा खेलो। रोजा अफ्तार हो गया, खजूरे किधर हैं? रोजा अफ्तार कर लिया जी, अब पढ़ लेता हूँ मगरब की नमाज। राजी आए ऊपर जाकर चाय पीते हैं, सर में बहुत दर्द हो रही है। अभी भी सर में दर्द हो रही है? सर में दर्द तो मेरे होने चाहिए, आपने तो शॉपिंग की है।
लड़कियों की तो शॉपिंग करके सर दर्द ठीक हो जाते हैं। अच्छा अभी बाहर चीजें लेने गया था और गिर गया है, ध्यान से भागा करो ना, अब दर्द हो रही है ना सर में, दिखाओ चोट तो नहीं लगी। इधर ही करते हैं जी वीडियो को एंड, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, प्लस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।